नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हवाला और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हवालात में आज हम आपको रूबरू कराएंगे जुर्म की दुनिया की कुछ ऐसी खौफनाक दास्तानों से जिन्हें सुनकर और जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर इन खबरों को दिखाने का मकसद आपको डराने का नहीं बल्कि आपको आगाह करने का है। तो आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हवाला। रायपुर शहर में दिन दहाड़े 26 लाख रुपए की लूट से शहर में सन्नाटा खिंच गया है। वारदात को अंजाम देने आए बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बनकर कैशियर को डराया था। सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे शहर में पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन बदमाश न जाने कौन से बिल में जाकर छिप गए हैं कि अब तक उनका पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। रिपोर्ट देखिए। रायपुर के सुंदरनगर में बड़ी वारदात दर्ज की थी, जहां के डीजी नगर थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक कैशियर से 26 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर लूट को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलते ही शहर की पुलिस ने जगह जगह पर नाकेबंदी लगा दी, साथ ही हर थाने की पुलिस को अलर्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। 50,000 रुपए लेके उनके घर जो वालपुर सिटी है वहाँ पे छोड़ने के लिए 10-15 में जा रहे थे, उसी बीच में दो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति आकर उनसे गाड़ी रोकने के लिए बोले हैं और दोनों अपने आप को क्राइम ब्रांच के सिपाही बताकर उनके जो 26,50,000 है उसको लूट के अभी भागे हैं। जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम की जो एडिशनल एसपी हैं और डीजी नगर थाने और पुरानी बस्ती और अन्य स्टाफ सभी स्टाफ के द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और फिलहाल जो पराठी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया उसके आधार पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए बहुत जल्दी। लूट की वारदात कुशालपुर इलाके में हुई, जहां नंदन टीएमटी ग्रुप का कर्मचारी कैश लेकर जा रहा था। बताया जा रहा है कि कर्मचारी धीरेन्द्र मिश्रा 26 लाख रुपए कैश लेकर टीएमटी कंपनी के मालिक नवीन अग्रवाल के घर जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक दो अनजान शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कैशियर से पूछताछ करने लगे, साथ ही रुपए से भरा बैग भी अपने कब्जे में ले लिया और थाने आकर हिसाब देने को कहकर चलते बने। घबराया कैशियर तुरंत स्टील कारोबारी के पास पहुंचा, जिसके बाद दोनों ने पुलिस थाने में पहुंचकर लूट की FIR दर्ज कराई। आप लोग दिखाए हैं, प्रिंट मीडिया में आया, इलेक्ट्रॉनिक, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं। अब आदमी किसके दिमाग में क्या घूम रहा है कि मैं आज ये करने के लिए आगे आ गया। हर व्यक्ति के पीछे तो एक पुलिस लगाया नहीं जा सकता, अपराध घटित होता है, पर उम्मीद है हम लोग जल्दी उसको पकड़ लेंगे। घटना की सूचना मिलते ही सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया, साथ ही शहर में जगह जगह नाकेबंदी भी की गई। इसके अलावा आउटर एरिया में पुलिस की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के हुलिये का स्केच बनाकर सभी पुलिस थानों को भिजवा दिया है, जिसके आधार पर कई टीमें बदमाशों की पतासाजी में जुटी हैं। 20 लाख रुपए के आसपास की ठगी हुई है, यही वो घटना स्थल है। दरअसल समता कॉलोनी स्थित नंदन TNT का ऑफिस है, वहाँ से जो कर्मचारी है, कैशियर है धीरेन्द्र मिश्रा, वो समता कॉलोनी से पैसे लेकर वालपुर सिटी जा रहा था। तभी ये मदर प्राइड स्कूल है सुदना नगर के आसपास, यहीं पर दो अज्ञात लुटेरे बाइक सवार यहाँ पर उसके पास पहुँचे और उसको क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताने लगे और ये कहने लगे कि लाइसेंस दिखाओ और तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो फिर बताने लगे और कहने लगे कि तुमको क्राइम ब्रांच का ऑफिस आना पड़ेगा। इधर रायपुर में इतनी बड़ी लूट की वारदात के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान भी सामने आया, जिसमें वो कहते सुने जा रहे हैं कि हर किसी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, किसके दिमाग में क्या घूम रहा है यह नहीं कहा जा सकता, इसलिए लोगों को खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि खुद गृह मंत्री ने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन दिन दहाड़े राहत चलते कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात ने
इलाके में सनसनी फैलाकर रख दी है। हर किसी के दिल में दहशत है कि जब कोई भी बदमाश कहीं भी वारदात को अंजाम दे सकता है तो उनकी सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की हकीकत क्या है। अगर इस तरह बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते रहे तो शहर की कानून व्यवस्था का क्या होगा। हवालात के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।